दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग भी पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं और पेटीएम पे आप अपना बैंक का बैलेंस चेक कर रहे हैं तो आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आ रही होगी जिस पे लिखा हुआ है अनेबल टू चेक बैलेंस। ये प्रॉब्लम क्यों आती है और कैसे इसको सही कर सकते हैं, आज की इस कंप्लीट वीडियो में आपको हम कंप्लीट जानकारी देंगे। तो इस पूरी वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, ध्यान दीजिए, जो प्रॉब्लम मेरे को आ रही थी अनेबल टू चेक बैलेंस वाली, वो मेरे मोबाइल में या मैंने उसको सही कर लिया है। पहले मैं आपको बैंक बैलेंस चेक करके बताऊँगा और उसके बाद बताऊँगा कैसे आप इसको सही कर सकते हैं और क्यों ये प्रॉब्लम आती है। ध्यान दीजिए, मेरे मोबाइल में पेटीएम का ये एप्लीकेशन है। सिंपल, मैं इसको ओपन करूँगा। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ, अपना लॉक खोलने के बाद मैं पेटीएम का ऐसा इंटरफेस देख पाता हूँ। ठीक है, अब सिंपल बैंक बैलेंस चेक करने के लिए सिंपल करना क्या होता है, अपन लोग सिंपल यहाँ बैंक एंड हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं। बैलेंस एंड हिस्ट्री पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ जितने भी बैंक अपने अकाउंट में लिंक होते हैं वो सभी यहाँ एक बाय एक मतलब लाइन से शो हो जाते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं ये वाले। ठीक है, अब जिस भी बैंक का बैलेंस अपन को चेक करना होता है उस बैंक के आगे आप देख पाएंगे लिखा हुआ होता है चेक बैंक बैलेंस। ये चेक बैलेंस लिखा हुआ है, सिंपल उस पर क्लिक कर देते हैं। सॉरी वन मिनट, सिंपल उस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो अपना यूपीआई पिन डालना होता है। डालने के बाद राइट पे क्लिक करते हैं और कुछ ही सेकंड के अंदर यहाँ अपना जो बैंक का बैलेंस है वो हो आ जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है। हालांकि मैंने स्क्रीन को थोड़ा ब्लर कर दिया है। अब दोस्तों, हो क्या रहा है कई लोगों के साथ में, जो बैंक का बैलेंस है जिसमें वो लोग चेक कर रहे हैं तो अनेबल टू बैंक बैलेंस बता रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है ध्यान दीजिए। सबसे पहले बताना चाहूँगा, मेरे मोबाइल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो सिम लगी हुई हैं। ठीक है, एक है वोडाफोन की और दूसरी है जियो की। ठीक है, ये प्रॉब्लम आने के तीन सबसे बड़े कारण होते हैं। पहला कारण क्या होता है, उसको ध्यान दीजिएगा। अगर आपके मोबाइल में जो आपकी जो बैंक में रजिस्टर्ड सिम है और जो आप जिसमें जिससे आपने पेटीएम का अकाउंट बनाया हुआ है और वो आपके मोबाइल में नहीं लगी हुई है, तब ये प्रॉब्लम आ सकती है। सेकेंड इसका बड़ा कारण क्या है, जैसे मान लीजिए कि भाई आपकी जो सिम है, सिम अगर मोबाइल में लगी भी है और मान लीजिए कि आपकी सिम में जो रिचार्ज होता है, बैलेंस होता है, वो आपका एक्सपायरी हो गया, ख़त्म हो गया है, तो उस कंडीशन में दोस्तों ये प्रॉब्लम आती है। और तीसरी और चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपकी जो नेट की स्पीड होती है वो बिल्कुल नहीं मिल रही होती है, या भैया जो आपका बैंक है उसके सर्वर में कुछ काम चल रहा होता है, तब ये प्रॉब्लम आती है। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से भैया ये प्रॉब्लम आती है और क्यों अपन अपना बैंक का बैलेंस चेक नहीं कर पाते हैं और कैसे अपन अपना बैंक का बैलेंस चेक कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको कोई शिकायत नहीं होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो भी भाई और बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही कई सारी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।